हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइबर कैफे का जो बैनर होता है कैसे तैयार करते हैं और उसमें क्या क्या पीएनजी वगैरह की जरूरत पड़ती है और उसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम 6x2 का यानी 6 फीट इंटू 2 फीट का हम आज बैनर बनाने वाले हैं साइबर कैफे का। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो ये हमारा कोरल ड्रा है और कोरल ड्रा कोई सा भी वर्जन हो आप उसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उस JBG को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं जिसका अभी आपको प्रीव्यू दिखाया गया है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे या फिर फाइल में जा करके और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो लोकेशन है यहाँ से आ जाएगा और उसके बाद में हम डेस्कटॉप से इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको रख दिया इस तरह से। तो ये हमारा फुल पेज है और ये हमारा फुल पेज है और ये जो बैनर ऑलरेडी बना था ये 8x2 का बना था। ठीक है, ये यहाँ पे 8x2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो इसका पेज का जो साइज़ है ये 8x2 का है। ठीक है, तो और ये इंचेस में है क्योंकि अभी हम प्रिंट के लिए नहीं बना रहे, क्योंकि अगर प्रिंट के लिए बनाएंगे तो थोड़ी हैवी फाइल हो जाएगी, इसलिए ये इंचेस में है। तो अगर आपको इसको फिट में करना है तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका साइज़ बड़ा कर दीजिए 8x2 के हिसाब से तो ये फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम 6x2 का यहाँ पे बैनर तैयार करने वाले हैं जो कि इंच में करेंगे। अभी मुझे प्रिंट नहीं करना है, अभी फिट में नहीं बनाने वाले हैं, अभी मैं इसको इंचेस में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा है, एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से और उसके बाद में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में आप यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ ब्रिथ में रखेंगे 6 और सबसे नीचे रखेंगे 2। ठीक है, तो ये होगा 6 और 2 और उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मैटर सेट करना है। तो ये मैटर जो आप देख रहे हैं ये मैटर आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये जो फॉन्ट है आपको बता दें ये राज फॉन्ट है और राज फॉन्ट के साथ साथ आप हिंदी कृति दो या भारतीय हिंदी फॉन्ट या और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं जो हिंदी के होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पैन कार्ड और आधार कार्ड का यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है और यहाँ पे डीएल वगैरह का जो फ़ोटो है, ये सब आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा, गूगल करके आप इसकी PNG निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में इसको सेट करिए। ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी है और यहाँ पर नंबर है, साथ साथ में प्रोपराइटर का नाम है यहाँ पर और यहाँ पर ये कुछ जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसके कुछ यहाँ पर लोगोज वगैरह है, तो ये भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे आसानी से PNG फाइल में मिल जाएंगी। ठीक है, और अब बात रह जाती है ये इसमें देखिए ग्रेडियंट बनाया गया है, इसमें 2 कलर का यूज़ किया गया है। तो सिंपल सा है, हम कोई ग्रेडियंट आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे इसका मैंने डुप्लीकेट किया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट हो गया, शिफ्ट की सहायता से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको जो है यहाँ पे रखेंगे। अब मैं इसी तरह सेम ग्रेडियंट यहाँ पे इसको बना रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे कलर कर दिया। उसके बाद में आप जाएंगे इंटरेक्टिव फील टूल पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका शॉर्टकट है G, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से नीचे को ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद में अब ये जो नीचे वाला कलर है इस तरीके का, इस तरीके का कलर आपको चाहिए तो एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर नज़र आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर को आप ऐड कर दीजिए। ये देखिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, आप हल्का सा इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लीजिए इस तरह से। अगर आपको कोई और कलर इसमें ऐड करना है
या तीन कलर आपको ऐड करना है तो सिंपल सा है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए एक बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट हो गया है और अब यहाँ पर कलर आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर तीन कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं और सेम कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा दो कलर कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव फील टूल से। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब जो है बारी बारी से इसको हम पूरा सेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको पहले हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये अभी वाइट कलर में है और प्लेन बैकग्राउंड हम इसमें नहीं लगाने वाले हैं, इसको हम गूगल करके एक बैकग्राउंड लगाने वाले हैं। तो देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले गूगल किया था, तो ये वाला बैकग्राउंड हम उसमें फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज कर देंगे। ध्यान रहे आपका रेजोल्यूशन सही होना चाहिए, देखिए इसका रेजोल्यूशन अच्छा काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज फाइल है, तो ये प्रिंट के लिए बिल्कुल सही है। तो अभी एक क्या होता है, ये सेव नहीं हो रही है इस वाले फॉर्मेट में, यानी जेपीजी फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में सेव हो रही है। तो अगर ऐसी फाइलें आपको मिलती हैं तो सिंपल सा आप यहाँ से ड्रैग करके या फिर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, सिंपल कॉपी, और चले आइए अपने कोरल ड्रा में और उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए जो फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है, जेपीजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सीधा कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लिया। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं और इसको जो है इसके अंदर पावर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया और उसके बाद पावर क्लिक इनसाइड और इसके अंदर पावर क्लिक हो गया। अब इसको अगर एडजस्ट करना हो तो यहाँ से एडिट पावर क्लिक और यहाँ से शिफ्ट के साथ आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, ये देखिए शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे, बाई चांस कभी कभी आपका जो टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है पीछे चला जाता है तो आप शिफ्ट प्लस पेज अप और शिफ्ट प्लस डाउन का यूज करेंगे। ठीक है, पेज अप डाउन पेज अप का यूज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया है और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ पे ये मोबाइल नंबर वगैरह सेट कर देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर सेट कर दिया, शिफ्ट प्लस पेज अप इसको भी करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपको नाम लिखना है, यानी जो प्रोप्राइटर है इनका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे और इसके सेंटर में अलाइनमेंट करेंगे तो शिफ्ट की सहायता से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ई प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इसके सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, और हल्का सा इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और अब बात रह जाती है कुछ इस तरह से इसमें फिल किया गया है, तो इसके लिए आपको इसको सिंपल डुप्लीकेट करना है। तो इसका जो है डुप्लीकेट करता हूँ मैं, प्लस की सहायता से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो देखिए डुप्लीकेट हो गया है, मैंने प्लस प्रेस किया और उसके बाद में उसमें आउटलाइन लगा दीजिए आप, अभी ये कर्व है तो इसमें आउटलाइन नहीं लग रही है ना ही इसमें फील हो रहा है। तो जब भी आप कोई नई फाइल बना रहे हैं तो पहले उसको कर्व ना करें, पूरी तरीके से जब वो डिजाइन तैयार हो जाए तब आप उसको कर्व करें। ठीक है, इतना ध्यान रहे। तो इस तरह से मैंने कुछ इसको डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिल भी नहीं हो रहा है और आउटलाइन भी नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इधर का मैटर है ये भी हम सेट करेंगे यहाँ पे। और मुझे कुछ इस तरह से बनाना है एक शेप इसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसके बाद में इसमें हम कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसे ये वाला कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा मुझे इसको तिरछा करना है, तो इसके लिए इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप टूल पे और कंट्रोल प्लस क्यू कर देंगे, तो ये कर्व हो गया है। उसके बाद इस तरह से सिलेक्ट करें और ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे रख दें इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ये तिरछा हो गया इस तरीके से, ये ठीक है। और इसी का एक डुप्लीकेट बना लें प्लस से, हल्का सा पीछे कर दें, ये देखिए, ठीक है। और इसमें जो आउटलाइन लगी हुई है ये देखिए ब्लैक कलर की, इसको यहाँ से नन कर दें, ओके। और अब क्या करना है आपको, ये वाला जो कार्ड वगैरह है यहाँ पे आप सेट कर दीजिए। ये कार्ड जो है हमने यहाँ उठाया और कंट्रोल जी से ग्रुप किया और शिफ्ट प्लस पे जब किया तो ये ऊपर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और ये वाला जो लोगो है गवर्नमेंट का, ये भी हम सबसे ऊपर कर देते हैं जब, और यहाँ से इसको सेट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया और अब हमारा इधर रह जाता है CSC वगैरह जो लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें हम कोई कलर फिल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें एक कोई हम कलर फिल कर रहे हैं। स्मार्ट फिल टूल पे जाएंगे और यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इधर बाहर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे और ये वाला हम वाइट कलर कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो इसकी आउटलाइन है वो हम नन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो लोगो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसको, CSC मैंने यहाँ कर दिया शिफ्ट प्लस पेज अप। और ये जो डिजिटल इंडिया है ये हम यहाँ कर देंगे, ABPNG आपको गूगल पे मिल जाएगी आसानी से। और ये आधार का भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, शिफ्ट प्लस पेज अप। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और अब इसमें अगर कोई और डिज़ाइन आपको बनानी है जैसे इस तरीके से बना हुआ है, तो सिंपल सा इसका डुप्लीकेट करके आप इसमें कलर भर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, और उसके बाद में इसका कोई हम कलर कर दिया ये वाला, ठीक है। और यहाँ से इसको हम पेजअप कर देंगे, शिफ्ट प्लस पेजअप, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब ये छिप गया है तो इसको हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और इसका कलर हम करेंगे ये वाला, या फिर आप ये वाला कर दीजिए इसका कलर, ठीक है।
और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरह से जानकारी भी आपको मिलती रहे। और अब जो हमारा लास्ट रह जाता है वो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं कैफे के अंदर, वो सब यहाँ पर डिटेल डालनी है आपको। तो कुछ इस तरह से आप डिटेल को यहाँ पर डाल सकते हैं, शिफ्ट प्लस पेजअप करेंगे और इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है, और नीचे आप अपने एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि आपका लोकेशन कहाँ है, जहाँ पे आप शॉप डाले हुए हैं या फिर कैफे है आपका, ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे एक कलर कर दीजिए इसको, ये देखिए, और यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ से कुछ भी नाम आप एड्रेस डाल दीजिए जो आपका हो। ये वाला कलर हम चेंज करके देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ बेहतर दिख रहा है तो आप इसको रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो बैनर है यहाँ पे 6x2 का जो बैनर हमारा है यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये देखिए इसका साइज, और आप इसको फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करने की बारी है, तो हम यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट यस करेंगे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट यस। और यहाँ से अपने डेस्कटॉप पर CDR मोड में पहले सेव करेंगे या फिर अपने लोकेशन पर कहीं भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको साइबर वैनर 6x2, ओके, ये अभी तो ये इंचेस में है तो IM। ठीक है, और यहाँ से वर्जन आप देख लीजिए कौन से वर्जन में आपको सेव करना है और यहाँ से सेव कर लीजिए। फाइल जो है हमारी सेव हो चुकी है, अब इसका हम एक बना लेते हैं JPG फाइल कस्टमर को दिखाने के लिए या फिर कहीं पे भी लगाने के लिए, जैसे आपको फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शेयर करना है तो इसके लिए आप इसकी JPG बना लीजिए। कंट्रोल ई करेंगे और यहाँ से JPG सिलेक्ट है और यहाँ पे बैनर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग है, आपको यहाँ पे सेटिंग कर लेना है, तो CMYK और RGB, यहाँ पे CMYK है तो आपको RGB कर लेना है। और उसके बाद में सबसे नीचे से ले आएंगे, इसका रेजोल्यूशन जो है 300 है तो आपको थोड़ा इसका रेजोल्यूशन कम कर लेना है, तो 200 कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, आप 100 रेजोल्यूशन 100 भी इसका कर सकते हैं। अब जो हमारा बैनर है यहाँ पर तैयार हो चुका है और इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो बैनर है तैयार हो गया है। और आप भी इसी तरह से बैनर बना सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर आसानी से कोरलड्रॉ के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।